नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या होता है, घातकान के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि घातकान का मतलब क्या होता है। सपोज मैंने लिखा 2 की पावर 2, ठीक, तो ये सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने 2 क्यूब लिखा तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अगर मैं 2 को 2 की पावर 10 लिख रहा हूँ तो 2 को मतलब 10 बार मल्टीप्लाई कर, 10 टाइम्स। ठीक, तो ये जो पावर है, ये पावर क्या दर्शा रही है, इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ये क्या बताता है कि हमको किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, हम क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम एक्स स्क्वायर देखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स को हमने 2 बार मल्टीप्लाई। यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर एक्स क्यूब है तो रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। एक्स की पावर 4 है तो रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक, इंडेक्स अब समझ में आया आपको क्या होता है। सपोज मैंने लिखा, सपोज मैं लिखता हूँ कि मेरे को 3 × 3 × 3, इसको मैंने 40 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। इसको मैं लिखूंगा कैसे, 3 to the power 40। ठीक, आया समझ में। अब इसके जो भी नियम है अब अपन स्टार्ट करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला नियम क्या है, ये मैंने अभी सबसे पहले आपको बता ही दिया कि सबसे पहला नियम क्या है कि अगर मैं किसी भी नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, 8 to the power n करके। ठीक, ये सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है, 1 होता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो चलिए इसको समझते हैं। अगर सपोज मैं 2 की पावर 1 की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2 मतलब 8। 2 to the power 4 क्या होता है, 16। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एक एक पावर नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जाऊंगा तो यहाँ 2 to the power क्या होगा, 0 होगा। गौर करने वाली बात यह है कि अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब एक पावर प्लस करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, 1 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक, अगर मुझे ऊपर जाना है मतलब पावर घटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ से भी डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे 2 की पावर 1 से 2 की पावर 0 जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1। ये किसी भी उसमें होगा। अगर सिम्बोलिकली बात करें, 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 की पावर 0 मतलब 2 को 0 बार मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्या आंसर, 1 इसका 4। ठीक, आया सबको समझ में। अब कभी भूलेंगे, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, सपोज x की पावर 0 है तो वो भी क्या होगा, 1। x को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 1। 143 की पावर 0 क्या होगा, 1। आया सबको समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे बेस सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो पावर अलग अलग है, और ये क्या है, मल्टीप्लायर में है, तो ये क्या होगा, पावर्स सम हो जाएंगी। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 4। ठीक, यहाँ पे बेसिस सेम है तो यहाँ पावर क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी, मतलब 2 की पावर 3 + 4 मतलब 50 हो जाएगी, 2 to the power 7। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ ये बिल्कुल बेसिक है, जिसका बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है उसके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें क्या है, अगर बेसिस सेम है, पावर्स और ये डिवाइड में है और पावर्स अलग अलग है, पावर्स क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 - 3 क्या होगा, 2 to the power 1। ये आया सबको समझ में। ये होता एक्चुअली कैसे है भाई, देखो मैंने 2 to the power 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो ये 3 2 और ये 3 2 कटे, बचे क्या, सिर्फ 1, तो इसलिए 4 - 3 = 1। इसमें भी क्या होता है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो, तो मतलब हम बेसिकली 7 बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम 2 to the power 7 में लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मेरा एक नंबर की पावर का होल उसका भी पावर है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होती है। सपोज मैंने लिखा 2q होल पावर 4, तो ये क्या होगी 2 की पावर 12। अब ये होता कैसे है देखिए, एक इसको पूरा एक नंबर मानिए 2 क्यूब, उसकी पावर 4 मतलब इसको मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए क्या हो गया, ये सब मल्टीप्लाई हो गया मतलब क्या होगा, पावर सम हो जाएंगी मतलब 12। तो यहाँ हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ये आया सबको समझ में? अब देखते हैं, अगर सपोज मेरे पास ये नंबर है, एक ए बी एक नंबर है, सपोज मैं मान लेता हूँ 6 है, उसकी पावर समथिंग क्यूब है, तो उसको मैं ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम में लिख सकता हूँ। अब 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, और फैक्टराइज करके, ठीक, होल पावर क्यूब जो थी वो थी, उसको मैंने लिख दिया 2³ × 3³। सपोज मेरे पास 12² आता है, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और कैसे, और इसका होल स्क्वायर। लेकिन 6 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, और एक और 2 में मतलब वो कर सकता हूँ, ठीक। ये हो गया क्या, स्क्वायर। अब ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2² हो जाएगा, और × 3, और ये होल पावर क्या थी, स्क्वायर थी। अब फिर इसमें मैं क्या करूंगा, ये अलग अलग लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2² होल स्क्वायर × 3² हो जाएगा 2³ × 3² क्या आया सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव पावर, ठीक है। तो अगर सपोज a²-m है तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a²m। जैसे 2 की पावर -1 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2⁻¹, मतलब क्या होगा, हाफ। सपोज 2 की पावर -40 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2¹⁴। इसका रिवर्स भी उतना ही सही है, मतलब मान लीजिए अगर मैंने लिखा 1/27, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3³, ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर -3। तो ये तीनों चीजें एक ही चीज को दर्शा रही है, वो है 1/27। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 27^-1, ये भी सही होगा। लेकिन जनरली ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं 3^-3। ये बाकी के 3 देना थोड़ा सा ऑप्शंस में ज्यादातर नहीं देखे जाते, ठीक है, तो हमको दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिकली 8th प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर पावर सेम है तो हमारे बेसिस क्या होंगे, इक्वल होंगे, a=b होगा। अब बेसिकली ये काम कैसे आता है, ये आता है सिंप्लीफिकेशन में काम। सपोज मैंने लिखा 32 = x^5, अब मुझे एक्स निकालना है, ठीक है, तो अब 32 को मैं पावर 5 किसका लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, = x^5। अब देखिए मेरे ये पावर सेम हो गए, ठीक है, तो यहाँ से मैंने कम, अगर पावर सेम हो गए तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि a = b, तो इसका मतलब यहाँ से x = 2, ठीक, आया समझ में? इसका रिवर्स भी वैसे ही है, अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी, सेम होंगी। सपोज मैंने लिखा है, सेम क्वेश्चन लेता हूँ, इसको 2^x कर देता हूँ। अब यहाँ पे 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2^5 = 2^x। अब यहाँ पे बेसिस सेम हो गए, मेरी पावर्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, x = 5। तो ये सारी चीजें हमको सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आती हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम सर्ट्स का देखेंगे, आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या x^5 / x^4, ये ब्रैकेट में है, और होल डिवाइडेड बाय x². तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो x^5 और ये क्या हो जाएगा, x^1/x². अब ये चीजें फिर डिवाइडेड में है तो ये क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगी, 1 - 2 क्या हो जाएगा, x²-1, ठीक है, और क्या होगा, 1/x, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125^2/3 × 625^-1/4 इज व्हाट, 5^x, तो हमको क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक। तो
इसको वैसे तो ये सर्च से होगा कि मतलब 125, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। लेकिन मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो 125 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, पावर क्या है डिवाइडेड में 2/3 है, तो मैं इसको 5 क्यूब लिख सकता हूँ, होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 to the power 4 -1/4। अब मैंने 5 ही में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किससे कंपेयर करना है, 5 से। सपोज यहाँ पे 25 से करना होता तो मैं सारे बेसिस को 25 बनाने की कोशिश करता, फिर मैं प्रॉपर्टी 8 और 9 चूज करके वो निकाल लूंगा, एक्स निकाल लूंगा, ठीक है। अब मैं ये प्रॉपर्टी कौन सी है, जब पावर्स आपस में ऐसे पावर टू दी पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, 5² × 5 - 1। अब पावर जब मल्टी मतलब बेस सेम रहते हैं मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, पावर सम हो जाती है, मतलब क्या होगा, 2 + -1। तो ये बेसिकली क्या बचेगा, 2 - 1 मतलब क्या बचेगा, 5 to the power 1 = 5 to the power x। अब यहाँ प्रॉपर्टी 9 के हिसाब से क्या होगा, x = 1। ये आया सबको समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, इसको मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये, क्या कह रहा है, 3 to the power 0 मतलब क्या होगा, 1, ये हो जाएगा 1/3, ये होगा 1/3 - 0, बेसिकली ऊपर हो जाएगा 4/3 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब कुल मिला के 17 13.5 + x = 17 to the power 8, मतलब कुल मिला के ये हमको 8 बनाना है, तो x क्या होना चाहिए, 4.5, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 5 की 5 to the power n = 3125, ठीक। अब ये सपोज हमको नहीं मालूम कि क्या मतलब कितना जाएगा, ठीक है, n कितना जाएगा अप्रोक्सीमेट, लेकिन हम एक अंदाजे से निकाल सकते हैं। देखिए हमको सबको मालूम है कि 25 × 25 कितना है, 625, और ये उसका क्या है, 5 गुना, एक और 5 गुना, ठीक। तो 25 मतलब क्या होता है, 5 स्क्वायर, और उसका स्क्वायर मतलब 5 to the power 4, और एक उसका 5 गुना और करना है, मतलब 5 to the power 5, ठीक। तो ये कितना हो गया, 3125। एम कितना आ गया भाई, यहाँ से मेरा एम आ गया 5, तो 5 की पावर मुझे m - 3 मतलब 5 5 स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 25। क्या है सबको समझ में, तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।